जय महादेव। दोस्तों, देवों के देव महादेव सभी देवताओं से निराले हैं। इनके अस्त्र शस्त्र से लेकर इनके वस्त्र और आभूषण सभी देवी देवताओं से अलग हैं। शरीर पर बाघ की खाल धारण किए हुए महादेव गले में नाग का श्रृंगार करते हैं। अपने जटाओं में गंगा तो शीश पे चंद्र को धारण किए हुए एक अत्यंत शांत मुद्रा में योग में लीन रहते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि भोलेनाथ का ये अलौकिक रूप ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन सवालों का उत्तर देंगे। तो चलिए इसको आरंभ करें। पौराणिक हिंदू कथाओं के अनुसार महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्ग लोक से माँ गंगा को धरती पे लाने की ठानी और इसके लिए कठोर तप किए। भागीरथ की तपस्या से खुश होकर माँ गंगा धरती पे आने के लिए मान गई। लेकिन समस्या यह थी कि माँ गंगा सीधे धरती पे आ नहीं सकती थी। उन्होंने भागीरथ से कहा कि धरती उनका तेज और वेग सहन नहीं कर पाएगी और रसाताल में चली जाएगी। इसके बाद भागीरथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने भागीरथ को भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कहा। भागीरथ ने कठोर तपस्या की और भोलेनाथ उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। जब भोलेनाथ ने भागीरथ से वरदान मांगने के लिए कहा तो भागीरथ ने उन्हें सारी बातें बताई। भगवान भोलेनाथ ने गंगा के वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोल दी और इस तरह से माँ गंगा देवलोक से शिव जी की जटाओं से पृथ्वी लोक पे आई और भागीरथ के पूर्वजों का कल्याण हुआ। इस कारण भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ दी गई जानकारी पसंद आ रही होगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। अब आप अपनी पूजा की सारी सामग्री की शॉपिंग घर बैठे पूजा करो के वेबसाइट से भी कर सकते हैं, जहां आपको फर्स्ट परचेज पे 40% का डिस्काउंट मिलेगा ये कूपन कोड यूज करके। साथ ही साथ आपके हर एक परचेज का कुछ हिस्सा हम डोनेट करेंगे हमारी गंगा माँ के क्लीनिंग प्रोजेक्ट में। तो हमें उम्मीद है कि आप भी पूजा करो का साथ देंगे इस नेक काम में। अब आगे की कहानी एंजॉय कीजिए। तो आइए जाने गले में नाग धारण करने का क्या कारण है। दोस्तों, इसके बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। दरअसल जो नाग शिव शंकर के गले में रहते हैं वो और कोई नहीं नागों के राजा वासुकी हैं, जो हर समय भोलेनाथ के गले में लिपटे रहते हैं। एक कथा के अनुसार वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। माना जाता है कि नाग जाति के लोगों ने ही सबसे पहले शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू किया था। वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब नागराज ने बाकी गणों की तरह ही उन्हें भी अपने गणों में शामिल करने तथा उनकी सेवा करने का वरदान मांगा। तब से भगवान शंकर ने उन्हें अपने गले में धारण कर लिया। ऐसा भी कहा जाता है जब वासुदेव कान्हा को कंस की जेल से चुपचाप बचाकर गोकुल ला रहे थे, तब तेज बारिश और यमुना के तूफान से वासुकी नाग ने ही उनकी रक्षा की थी। यही नहीं, समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में पर्वत के चारों ओर लपेटकर मंथन किया गया, जिसके चलते उनका संपूर्ण शरीर लहूलुहान हो गया। इसके बाद जब नीलकंठ भगवान को विष पीना पड़ा, तब वासुकी सहित अन्य नागों ने भी भगवान शिव की सहायता की और विष ग्रहण किया। पुराणों के अनुसार वासुकी के सिर पर ही नागमणि है और सभी तरह की मनियों पर सर्पराज वासुकी का ही अधिकार है। भगवान शंकर अपने नंदी की तरह ही वासुकी से प्रेम करते हैं और यही वजह है कि शिव और शिवलिंग को नाग के बिना अधूरा माना जाता है। तो अब बात आती है चंद्रमा की। आखिर क्यों भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण किया? समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल विष का स्वयं शिव ने पान किया था ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। विष उनके कंठ में जमा हो गया जिससे वे नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि विष पान के प्रभाव से उनका शरीर अत्यधिक गर्म होने लगा। तब चंद्र आदि देवताओं ने प्रार्थना की कि वह अपने शीश पर चंद्र को धारण करें ताकि उनके शरीर में शीतलता बनी रहे, क्योंकि श्वेत चंद्रमा बेहद शीतल है और उनसे सृष्टि को शीतलता प्रदान होती है। इसलिए शिव जी ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया। आशा करती हूँ कि आपको यह तथ्य रोचक लगे होंगे।